कि अभी हम लोग जा रहे हैं अब देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। खदीना हमारे साथ हैं, खदीना के बाबा इस पर ड्राइव कर रहे हैं और खदीना की खाला कॉर्नर से झांक रही हैं। खदीना की खाला वहाँ बैठी हुई है और खदीना की नानी भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम जो फन करेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं एयरपोर्ट वाले रोड से और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रीनरी मौजूद है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। वैसे पाकिस्तान में भी इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो बस कुछ देर में अब हम बस सी व्यू पहुँचने ही वाले थे, चंद ही लम्हों का रास्ता रह गया था और बस हम पहुँचने वाले थे। हम लोग सी व्यू पहुँचने वाले थे और खजीना पूरे रास्ते सो गई थी, लेकिन जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले थे खजीना आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे और हमारी डेस्टिनेशन जो थी वो थी सी साइड जो कि सी व्यू थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो मौसम इतना ज़्यादा हसीन हो रहा था और आज इत्तफाकन पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम बहुत अच्छे टाइम पर पहुँच गए थे, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सी साइड के लिए निकलो तो फिर लेट नाइट हो जाती है और फिर लेट नाइट की वजह से सी जो है वो इस तरीके से नहीं नज़र आ रहा होता है जैसे कि उसे आना चाहिए। लेकिन अगर आप डे टाइम पर जाएँ तो फिर समंदर को देखने का मज़ा ही खूब होता है। तो यहाँ पर जो दोनों सिस्टर्स भी मेरे साथ थी और इसके अलावा मेरी अम्मी भी मेरे साथ मौजूद थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे। और क्राउड इतना ज़्यादा था क्योंकि शायद वीकेंड था इस वजह से, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड मौजूद था। हम लोग बहुत ज़्यादा पानी में तो नहीं गए थे, बहुत हल्के से हमने अपने पाँवों को गीला किया था, और लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था और वहाँ पर जाने वाली टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी थी जिस टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे। और बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, लेकिन जो जो चीज़ों की मैं वीडियो बना सकती थी खजीना के साथ साथ, क्योंकि खजीना आप लोग को मालूम है कि कितना ज़्यादा तंग करती है, उसको कैरी करके इतना ज़्यादा वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। और दूसरा ये कि हम लोग समंदर पर मौजूद थे, यहाँ पर वीडियो बनाना वैसे मुश्किल होता है। अभी हम लोग जो है वो सी व्यू पर मौजूद हैं और यहाँ पर भुट्टे वाले अंकल जो हैं वो हमारे लिए भुट्टे बना रहे हैं, उन्होंने खसूसिया में डिस्काउंट भी दिया है। तो आप लोग आइएगा। तो यहाँ पर भुट्टे ख़रीदने के बाद हम लोगों ने बहुत मज़े से अपने भुट्टों को इन्जॉय। Thank you.
तो यहाँ पर खदीना मेरे साथ मौजूद थी और मैं वीडियो बना रही थी और मेरी दो सिस्टर्स भी एक एक करके वीडियो में आ गई थी और हम लोग इस वक्त अपना बुट्टा इंजॉय कर रहे थे। बाद हमने खाया अमरूद वाले अंदर से अम्मी ने ख़रीदे अमरूद। अमरूदों का ज़ायका बहुत ज़्यादा यमी था और मसाला डाल के तो वो उनका मज़ा जो था वो दुबाला हो गया था। हमने वो बहुत मज़े से खाए। उसके बाद जो है वो हमने खाना खाने के लिए निकल गए थे। खाने में हमने बिहारी टिक्का और धागा कबाब ऑर्डर किए थे। इसके अलावा हमारे पास चटनी सलाद और पूरी पराठे भी थे जिसका हमने मज़े से मज़ा उड़ाया था और बहुत मज़े से खाया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए और वापसी भी हमारी बहुत अच्छे टाइम पर होने लगी थी। हम तकरीबन 9:30-10 बजे तक हम लोग घर पर मौजूद थे और आज का जो ट्रिप था हमने उस पर बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। खुसूसन खजीना ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उसके लिए ये नई जगह थी। खजीना इतना ज़्यादा इस जगह पर नहीं जाती है। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।